Sorry, I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? वेलकम फ्रेंड्स, आपका इंडी ब्लॉग चैनल पे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो जगह जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे हम आते हैं अपनी इंडियन एसेसरीज लेने, और सबसे बस बात ये है कि यहाँ की जो व्यू है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मैं सामान खरीदने कम और यहाँ पे बैठ के और यहाँ का व्यू देखने ज़्यादा आता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं क्या व्यू है, और ये है यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर, जहाँ पर आपको स्पेशल एक कार्ड लेना पड़ता है स्पेशल शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों, ये है यहाँ का मेट्रो मॉल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जरूरत की हर एक चीज आपको मिल जाएगी, एक सुई से लेकर और फांसी तक, जैसा कि अपने यहाँ कहा जाता है। और आज हम यहाँ पर खरीदने आए हैं मसाले, इंडियन सरसों के तेल। अपने यहाँ तो भाई सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं हमारी रूटीन में, और आपको दिखाता रही और चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है यहाँ का ऑयल, एंड यहाँ पे आपको हर तरह के ऑयल मिल जाएंगे, जैसे कि ऑलिव ऑयल, ये सेब के ऑयल है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है, मिर्च से बने ऑयल, पुदीने के ऑयल। और चलिए आपको दिखाते हैं। और अब मिसेस को इंडियन खाना बनाने के लिए इंडियन सरसों का तेल लेना था, तो ये रहा आपका सरसों का तेल। एंड अब मसाले की खोज करते हैं। तो ये सेक्शन है मसाले का, यहाँ पे आपको इंडियन अपना भाई देसी मसाला, इसको यहाँ पे बोला जाता है करी, और दालचीनी को बोला जाता है करीथा। मुझे स्टार्टिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलता था, और उसके बाद से काफ़ी टाइम लगा मुझे यहाँ डिफरेंसेस समझने में, क्योंकि नाम बहुत एक तरह के होते हैं। ये आपका हल्दी, हल्दी मिलता है, कुछ भी जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे मसाले से जुड़ा सेक्शन है। यहाँ पर मुझे तो ज़्यादा मसालों के बारे में पता है नहीं, फिर भी आपको दिखाता हूँ। और ये है यहाँ का डेयरी सेक्शन, यहाँ दूध और दूध दही से जुड़े हुए प्रोडक्ट मिलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे दूध और दही से जुड़े प्रोडक्ट। तो ये है सुल्ताना, यहाँ के लोग इसे दही बोलते हैं, पर ये है मक्खन, जहाँ तक मुझे लगता है, पता नहीं क्यों हल्का सा खट्टा, जैसे अनसॉल्टेड मक्खन आप इसको कह सकते हैं। और ये है तोरक, और इसे छेना अपने यहाँ कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे दूध से बनी मिठाई, और आपको और यहाँ पे योगर्ट, कई सारी वेराइटियाँ आपको मिल जाएंगी, कई सारे फ्लेवर मिल जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे योगर्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं अब यहाँ के मीट सेक्शन पे, जहाँ पे आपको हर तरह के मीट मिलेंगे। ये है यहाँ का मीट सेक्शन, और जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, बाहर का टेम्परेचर लगभग 15 के करीब में है, पर अंदर का टेम्परेचर माइनस से लेके 0 तक का होता है, जिससे कि मीट ख़राब ना हो, और ये पूरा रूम ही जमाने वाला होता है। फिर भी मैं आपको अपने इस फियर से लड़ते हुए आपको यहाँ के मीट सेक्शन को दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ठंड के मारे में मरा जा रहा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर मुझे लगता है कि माइनस में है, और मैं बोलने में भी घबरा रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के मीट मिल जाएंगे, गाय, सुअर, कबूतर, बिल्ली, मुझे नहीं पता, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल। प्राइस यहाँ पे मीट बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है इंडिया के मुकाबले में,
लवर के लिए बेस्ट हेवन। आपको मीट सेक्शन के बाद अब हम लाए हैं फिश सेक्शन में। यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर, सॉल्टेड वाटर, हर तरह की फिशेस मिल जाएंगी और लाइव, अलाइव, डाइड, हर तरह की फिशेस आपको मिल जाएंगी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैं अलाइव फिशेस। आप इनको खरीद कर और उसके बाद से अपने हिसाब से कटवा के खरीद सकते हैं। मैं तो इतनी सुंदर फिशेज को कभी नहीं खरीदूँ भाई, या ना कटवाऊँ, क्योंकि मुझे तो प्यार हो जाता है जब एक बार जिंदा फिशेज देख लेता हूँ। और ये यहाँ की फ्रोजन सेक्शन, यहाँ पे आपको हर तरह के सॉल्टेड वाटर फिशेज मिल जाएंगी और इनके प्राइस, यहाँ का प्राइस ज़्यादातर 300 से लेकर 600 और उसके साथ ही कटे हुए आपको के द्वारा काटे जाते हैं। ये रेडी टू ईट मीट है, इस पर मसाले वसाले सारे लग के आते हैं और आपको जस्ट बॉईल करना है, फ्राई करना है, जैसे भी आपको कच्चा खाना है, जैसे भी आपको खाना है, आप इसको ले सकते हैं जैसे कि आपके मर्जी। तो जैसा भी आप देखिए और आपको ले चलते हैं अगले सेक्शन में। ये है यहाँ का चाय कॉफी सेक्शन। यहाँ पर आपको हर तरह की चाय और हर तरीके की कॉफ़ी मिल जाएगी। यहाँ के लोग कॉफ़ी को सिर्फ पानी में उबाल कर और पी जाते हैं। जब मैंने पहली बार पिया था तो मुझे उल्टी आ गई थी, पता नहीं कैसे लोग यहाँ पे पी जाते हैं। इंडिया में तो हमारे जब तक दूध ना डालो उसको अच्छे से फेंटो ना, और उसके बावजूद काफ़ी पलटे नेगेटिव मेरे मिलता है। चाय ज़्यादा पी जाती है अपने यहाँ, वो भी दूध के साथ। यहाँ पर तो चाय भी बिना दूध के पी जाती है, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। एनीवे अच्छे लोग हैं, पसंद करते हैं इंडियन से ज़्यादा इंडियन चाय को, पर फिर भी अच्छा लगता है। ये है हमारे मधुस दोस्तों की फेवरेट जगह, ये है यहाँ का अल्कोहल डिपार्टमेंट, जहाँ पे अलग अलग सेक्शन होते हैं जैसे कि वाइन डिपार्टमेंट, बियर डिपार्टमेंट और अल्कोहल डिपार्टमेंट। और यहाँ पे आपको 35 रुपये से लेकर 15,000 तक की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का वाइन सेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये की भी वाइन है, 800 रुपये की भी वाइन है और 15,000 तक की भी वाइन है। तो आपको जैसा आपका बजट है वैसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब शादियाँ होती हैं और फंक्शंस होते हैं, कोई त्यौहार आता है, तो मोस्टली लोग वाइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मोस्टली यहाँ के लोग हैं वो क्रिश्चियन लोग हैं। दैट्स व्हाई वाइन यहाँ के लोगों के कल्चर में काफ़ी ज़्यादा घुला मिला है। एनीवे ले चलते हैं आपको यहाँ के अल्कोहल डिपार्टमेंट में। सातवें आसमान पर रहने वाले भाइयों का हमारा स्वर्ग, ये है यहाँ का अल्कोहल डिपार्टमेंट। और जैसा कि आप देख रहे हैं 700, 890 से लेके आपको किसी तरह का चीज़ चाहिए अल्कोहल से जुड़ी हुई तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फैंसी, सस्ती, जैसे भी आपको पीना पसंद हो भाई, आपको और दोस्तों एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, जो वोदका वर्ड है, वोदका वर्ड वदा, जो रशियन वर्ड है वदा, उससे बना हुआ है। वदा का मतलब होता है पानी, और पानी से वदा बनता है और वदा से वोदका बनता है। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी कि दुनिया का सबसे बेस्ट जो अल्कोहल है वो रशिया में मिलता है, और यहाँ पे मोस्टली रशियन वाइन एंड वोदका है, और इंडियन भी मिल जाते हैं। अगर आप मिलता है आगे तो आपको दिखाएंगे, नहीं मिलता है तो इसलिए आप माफ़ कर दीजिएगा। चाइनीज भी मिलता है पर चाइना मुर्दाबाद, इसलिए हम उसको दिखाएंगे। ये है यहाँ का सस्ता सेक्शन, यहाँ पे आपको 368, 299, 350 ऐसे करके प्राइस होते हैं, वो वैसे आपको भी मिल जाएंगे, जो कि लोग पर डे वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। एनी वे आपको दिखाते हैं अब बियर, और ये है यहाँ का बियर सेक्शन, और चलिए आपको दिखाते हैं बियर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 99, 89, 25 ऐसे करके यहाँ पे बियर मिलते हैं कोई बहुत। और ये यहाँ का कैन मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा है, ऐसे करके आपको कैन मिल जाएंगे। कितने का है, 139 का ये कैन है, और ऐसे ही यहाँ का है अल्कोहल डिपार्टमेंट। तो ले सकते हैं घरेलू सामान के डिपार्टमेंट में, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं नाइट गाउन है या पता नहीं, मैंने कभी यूज किया नहीं है, टॉवल्स,
हमारे इंडिया में तो ऐसे ही जो बाहर पड़े होते हैं चाहिए तो ले 100 रुपये में मिल जाते हैं, यहाँ पे तो 800-900 रुपये का आलू है। और सब घर में यहाँ पे घर के टेबल भर एक हाथ पोछने के लिए अलग, नहाने वाला अलग, पर डे का नहाने का चेंज, हम तो हफ्ते हफ्ते तक एक ही टॉयल यूज कर लेते थे अपने टाइम। और ये देखिए हमारी श्रीमती जी को, उन्होंने तो पूरा मार्केट कर लिया, आज ये ढीली होने वाली है। एनीवे ये है यहाँ का होम अप्लायंस, यहाँ पे आप कुर्सी से लेके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, फ़ोन से जुड़ी टीवियाँ, और आपको दिखाता हूँ और सर एसी और सस्ती मिलती है भाई, आप मानेंगे नहीं 10,000 में एसी मैंने इंडिया में तो कभी इमेजिन भी नहीं की थी। ये देखिए, और यहाँ पे प्रिंटआउट का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लोग रिफिल नहीं करते हैं प्रिंटर्स में, प्रिंटर्स सस्ते होते हैं पर वो रिफिल करना काफ़ी महंगा होता है। फर्स्ट ईयर में मैंने एक प्रिंटर लिया था भाई, और आज तक उस प्रिंटर को यूज़ नहीं किया क्योंकि उसका प्रिंटर का दाम था करीब 2,000 या 2,500 या मे बी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मुझे याद नहीं है, पर उसके इंक का प्राइस उसके उस प्रिंटर के बराबर था। मैंने कहा कि भाड़ में गया प्रिंटर, और तब से आज तक मैंने यहाँ पे कभी कुछ ख़रीदा नहीं है ऐसा प्रिंटर। दोस्तों मैं रहता हूँ यूपी के एक छोटे से शहर कुशीनगर में, और कुशीनगर में मैंने कभी ऐसे लॉकर्स देखे नहीं है, पर 7,000-5,000 के लॉकर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ का, तो छोड़ तो इसको भी लगता हूँ इसके लिए मास्क। और ये टीवियाँ देखिए, इतनी बड़ी टीवी 35,000 हमारे यहाँ तो कभी, हमारे यहाँ तो काफ़ी महंगी मिलती हैं ऐसी टीवियाँ। पर चलिए अभी आपको और चीज़ें दिखाना बाकी है। ये है यहाँ का लगेज डिपार्टमेंट, यहाँ के लगेज कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, मोस्टली चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं, जैसा कि आप जान चाइना ने पूरे विश्व के व्यापार पर कब्जा कर लिया है, और इसी वजह से ज़्यादातर दुनिया के सामान काफ़ी ख़राब क्वालिटी के मिलने लगे हैं। इस वजह ये बिजनेस स्ट्रेटजी है, अच्छी क्वालिटी के सामान बनाओगे तो लोग हर साल 2 साल नहीं खरीदेंगे, ख़राब क्वालिटी के बनाओगे तो हर साल लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। सस्ते बनाओ, ख़राब बनाओ, घटिया क्वालिटी यूज़ करो और हर साल नए प्रोडक्ट्स खरीदते रहो। ये है यहाँ का झूला जो करीब 26,000 का है, 1 रुपये कम 26,000 में। और ये है कैंपिंग का झूला, यहाँ पे सारी चीज़ें कैंपिंग से जुड़ी मिलती हैं और गाड़ियों से जुड़ी, जैसे मोबिल ऑयल, बच्चों के सीट, गाड़ी को खींचने वाला सामान, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और स्पेशली कैंपिंग की चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। और ये है आपकी कैंपिंग से जुड़ी चीज़ें, यहाँ पर जो भी चीज़ आपको कैंपिंग से जुड़ी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये था यहाँ का मेट्रो मॉल जो कि करीब एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है, और यहाँ से आप हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कई तरह के मॉल हैं, पर ये एक प्रसिद्ध मॉल है जहाँ पे हर एक चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल होती है, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें बताएं। थैंक यू। Can you feel the attraction? Feel the attraction?